अभी तक उसका नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, रखा गया है इस समय में। वास्तव में तो हमारे अधिकारियों के मुंह से हमने कई बार सुना है, आप सब ने भी सुना होगा कई बार, कि ये मानव ये संसाधन नहीं हो सकता है। तो ये तो मानव संसाधन विकास नहीं हो सकता है, संसाधन नहीं है मानव, इसलिए शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए, शिक्षा के लिए काम करने वाला मंत्रालय है। तो शिक्षा मंत्रालय इसका नाम बदला है, नाम रखा गया है, तो वो एक बदल हुआ है। दूसरा जिसके बारे में हम लगातार चिंतन करते थे, चर्चा करते थे, वो तो जो जीडीपी है, तो जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। अभी तक हम सबके ध्यान में होगा कि वो भी अभी जो अभी सरकार आई है 2014 के बाद, तो 2014 से जो सरकार आई है उन्होंने 4.43% जीडीपी का बनाया, उससे पहले से तो 2% भी नहीं था। तो ऐसा जो एक जीडीपी का 6% खर्च ये शिक्षा पर होगा, तो निश्चित रूप से शिक्षा एकदम से आगे बढ़ेगी, शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी भी नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कि हमारे सरकारीवा जी ने अभी कुछ दिन पूर्व ही बोला था कि धन के कारण से, शुल्क के कारण से कोई गरीब बच्चा इस शिक्षा के लिए वंचित न रह जाए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जब ये 6% जी सरकार शिक्षा पर खर्च होगा, और एक बच्चा हमारा ये शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, हमारा हरेक बालक आगे बढ़ सकेगा, हरेक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वावलंबी शिक्षा मिलेगी, तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। तो दूसरा, हम जो सब कहते थे हमारे विजय भारती में हमने पंचवर्षीय शिक्षा पद्धति का है, और हमारा सबसे पहला हरेक शिक्षा में देश का जो शिक्षा भेद है वास्तव में शिक्षा भेद, वो शिक्षा भी कहता था कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, वो मातृभाषा में होनी चाहिए। हम भी उसी के पक्ष ग्रह है कि मातृभाषा में अगर शिक्षा मिलती है बच्चे को, तो बच्चा जो है समझदार बनता है। दूसरों की खोती हुई जो भाषा है उसमें अगर शिक्षा प्राप्त करता है बच्चा, तो बच्चा रड़ता है। तो खोते वाली कहानी हम सबसे पढ़ी, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो मातृभाषा में शिक्षा ये पाठ्यक्रम अनिवार्य हो गई है, ये भी स्वागत योग्य कदम है। तो स्वागत योग्य नहीं, स्वागत करने वाला ही कदम है। तो ये मातृभाषा में हम बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे। और दूसरा, इसके साथ साथ में जो दुकानें चली हैं, निश्चित रूप से दुकान चली है इस प्रकार की, उन दुकानों में भी लगाम लगेगी, और ठीक प्रकार की शिक्षा बच्चा समझदार बन सकेगा मातृभाषा में शिक्षा के द्वारा। उसके साथ साथ में आगे उसमें ये भी प्रावधान है, उच्च शिक्षा भी मातृभाषा में बालक ले सकता है। तो उच्च शिक्षा में भी ये जो मातृभाषा है उसमें बालक शिक्षा ले सकता है, और विज्ञान विषय सहित सभी विषयों में जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो मातृभाषा में ये आएंगी।